ना सरो मनसो गुरु गोबिंद सिंह, ना सरो मनसो गुरु गोबिंद सिंह, ए जुद मनजू गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, ना सरो मनसो गुरु गोबिंद सिंह, ए जुद मनजू गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े के संबंध के नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब तो आरंभ हो चुका है जी। पंजां प्यारियां की अगवाई में यह नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। संगतां बड़े उत्साह के नाल इस नगर कीर्तन दौरान हाजरियां भर रही ने अते अपने रूहां नूं सिरशार कर रही ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा देण मनुखता दे नहीं सकती, उन्हां दे परउपकारां नूं याद करदे आं। उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दे संबंध में जो ये समागम हो रहे हैं, नगर कीर्तन सजाए जा रहे हैं। साढ़े नाल मुख सकत्तर साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वह मौजूद ने। उन्होंने तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब संबंधी असं जानते हैं जो नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। धन धन साहिब कमाल सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जिन्हों का प्रकाश दिहाड़ा आगमन गुरपुरब कल मनाया जा रहा। अज श्री अकाल तख्त साहब महान नगर कीर्तन पंजां प्यारियां दी अगवाई से सतगुर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छत्र छाया हेठ प्रारंभ होया। मैं जिथे संगतां नूं बहुत बहुत बधाई दिना, उत्थे कामना भी करदा सतगुरु जी ने जिहड़े सानूं पवित्र सिधांत बख्शिश कीते सी, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ दे पुजारी बणीए, गुर शब्द दे अनुयायी बणीए, सतगुरां दा पवित्र संदेश पीवो पहल खंडे धार होए जन्म सहेला, अमृत छाके तैयार बर तैयार हो के गुरु शब्द दे लड़ लग के सेवा दे सिमरन दे विच जुड़ के इस अपने जीवन नूं सफला करिए। सो समुचियां संगतां नूं
देश विदेश सारियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा, कामना करदा कि जिहड़ा सतगुरु जी का पवित्र सिधान साडे हिरदिआं दे विच वासा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब साढ़े नाल मौजूद ने, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में जो नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब तो आरंभ हो चुका है, आप जी संगतों को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के प्रकाश दिहाड़े पर की संदेश देना चाहोगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विद्वाना ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के संबंध में ये वचन कहे ने, आम तौर पर आप पढ़ते हैं, जननी जने तो भगत गन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाझ रहे काहे गुआवे नूर। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हों का अज आगमन पुर मनाने वास्ते नगर कीर्तन समूह संगत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल कढ़ रही ने, वह भगत भी ने, इको समय के अंदर दानी भी ने ते सूरमे भी ने। उन्हां वर्गा भगत कोई नहीं, उन्हां वर्गा दानी कोई नहीं, उन्हां वर्गा सूरमा कोई नहीं। जे गुरु नानक पातशाह जी ने बचन कहे ने, नाम जपना वंड छकना धर्म की किरत करनी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां बचनां नूं दोहराया, पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का। इस सिद्धांत नूं आप अपने जीवन के अंदर टुका लीए तो साडा लोक परलोक सौर सकदा। सारियां संगतां नूं मैं इस गुरपुरब के मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान समुचे सिंह साहबान स्टाफ वालों जिन्हें भी श्रोमणी कमेटी का स्टाफ है, मैनेजर साहबान सकत्र साहबान सारे वालों बहुत बहुत बधाई देना। तो सानू गुरु महाराज के दस्से हुए सिद्धांतों के मुताबिक चल के बाणी ते बाणी दे धारनी होकर अपना जीवन सुधारना चाहिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का 354 अवतार गुरपुरब, जिथे संसार भर दीआं संगतां बड़े उत्साह प्यार दे नाल मना रही ने, उत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे हर साल की तरह श्री अकाल तख्त साहिब जी तो अज जिहड़ा नगर कीर्तन आरंभ होया है। सो इस नगर कीर्तन के सिख संगतां का बहुत वड्डा उत्साह उमा है। सो इस तरह ही सिख संगतां अपने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का इस पावन पवित्र दिहाड़े के उत्ते अपनिया जिथे सिख संगतां अपनिया हाजरियां लवा रही ने, उत्थे सिख संगतां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिहड़ियां सिख्यावां ने उन्हां नूं भी चलण वास्ते। सो संगतां नूं यही अपील है, सच्चे पातशाह जी दीआं सिख संगतां उन्हां नूं धारण करन, ते सारे संसार भर दे विच जिहड़ियां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा अवतार दिहाड़ा संगतां बहुत उत्साह उमाह दे नाल मना रही अज दे इस पावन पवित्र दिहाड़े दे उत्ते। सारियां सिख संगतां नूं सच्चे पातशाह जी दे अवतार गुरपुरब दीआं लख लख वधाईआं होवन, लख लख वधाईआं होवन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
कुर्बान जाही तेरे नाम है, ओ कुर्बान जाही तेरे नाम है, कुर्बान जाही तेरे नाम है, ओ कुर्बान जाही तेरे नाम है। जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, बख्श ले मेरे प्यारे, जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, ओ जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, बख्श ले मेरे प्यारे, ओ जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, तू पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा, गुरु गोबिंद सिंह काश फुल असरा, गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मन सो, गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मन सो, गुरु गोबिंद सिंह इज्जत मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह इज्जत मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह इज्जत मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मन सो, गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मन सो, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मन सो, गुरु गोबिंद सिंह इज्जती मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी। तुसीं इत्थे नरसिंगे की सेवा करते हो, जदों भी नगर कीर्तन सजाए जाते हैं आप जी ये सेवा करते हो? हाँ जी महाराज, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तकरीबन पिछले 20-22 सालों तो सेवा कर रहे हैं जी, अमृत वेले पालकी साहब के नाल, समाप्ति सुखासन साहब की सेवा नाल, नरसिंगे सेवा, तो जो नगर कीर्तन की सेवा होंगी है उदों ड्यूटी लगती है जी। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के प्रकाश दिहाड़े संबंध में जो नगर कीर्तन सजाया जा रहा है, संगतों को बधाई कैसे दोगे?
सब संगतां नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव या कोटान कोटान लख लख वधाइया देने आ जी, जिन्होंने सारा सरबंस वार दिता साढ़े पिछे। पर असी लोग अज दूसरे पासे तुरी आने, असी संगतां नूं इहो बेनती करते हाँ कि महाराज के बाने विच रहन, पंज अमृत धारी होन, पंज ककार धारण करन, इहो बेनती करते हाँ सतगुरां दे जन्म दिहाड़े दे विच वध तों वध संगतां अमृत धारण करन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। गुरु गोबिंद सिंह वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहिब कमाल, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह। अज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का पावन प्रकाश गुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। संगतां दे विच बहुत ही उत्साह है, नगर कीर्तन का बेसब्री नाल इंतजार कर रहे हैं। संगतां ने वख वख तरह की सजावट की हुई है, इस नाल संगतां दे बहुत ही भारी उत्साह है। मैं अज जिहड़े किसान वीर साडे उत्थे बैठे हैं उहदे नाल भी अज नगर कीर्तन दे विच संगतां दी आमद बहुत घटी है। इस नाल जिहड़ियां मोदी सरकार नूं जिहड़ियां किसानां दीआं जायज़ मंगां मान लैणियां चाहीदियां हन, तां जो सारे कारोबार दुनिया वधिया तरीके नाल चला सके। जिहड़े परिवार उत्थे बैठे हैं वह अपने परिवारां विच आण के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस पुरब की महाराज की सद समूह संगत नूं बहुत बहुत बधाई होवे। बेनती इस तरह भी इस हिंदुस्तान नूं चेता भुल गया है कि राज किन्हां दे करके मिलिया है। राज इन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब दीआं कुरबानियां दे करके अज मिलिया है, पर अज इन्ना अन्याय कर रहे हन कि अपने हक भी सानू दे रहे नहीं, जो साढ़े हक बनते हैं वह भी सानू दे रहे नहीं हैं। इस करके इस चीज़ को याद रखन कि खालसा अपने हक लेने जानता वा, समा आने उत्ते अपने हक ले लेगा। भी जे अपने आप दे दें तो इन्हों के फर्ज बनते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के वारस बने हुए हैं, इन्हों साढ़े हक सानू दे देने चाहिए आ। इस करे सारे बेनती है कि किसान वीर का सारे साथ देवो, तो सारे जने इस लगे हुए मोर्चे को जित प्राप्त करो, ते आने वाला समा तुहानू कदी याद रखूगा, इसका इतिहास बनूगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। पंज प्यारे साहबान जो नगर कीर्तन के गुरु सच्चे पातशाह जी के सरूपां दे अगे अगे प्यार बर प्यार सेवा निभा रहे ने। देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत
तमाशा देखने आयो जगत चितना पयो हम रोया वंड के चेतना पयो हम रो आवन के चेतना पयो हम रो आवन के चेतना पयो हम रो आवन चुबी रही सुत प्रब चरणन में चुबी रही सुत प्रब चरणन में चुबी रही सुत प्रब चरणन में चुबी रही अब मैं अपनी कथा बखानो अब मैं अपनी कथा बखानो अब मैं अपनी कथा बखानो अब मैं अपनी कथा तप साधत जय जित मोए आनो तप साधन जित मैं होए आनो तप साधत जय बेद मोहे आनो तप साधत जय बेद मोहे आनो तप साधत जय बेद मोहे आनो तप साधत जय धन धन दसम पातशाह जी का अज प्रकाश पुरब है सारिया संगतां नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत बधाई है खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु गोबिंद आज बना आज दिन पार लंगड़ा तेज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसो गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसो गुरु गोबिंद सिंह